सेंट्रल कमेटी से मशवरा करते हैं, गवर्नमेंट से भी मशवरा करते हैं हमारी लीडरशिप, और उसके बाद कोई फैसला होता है। तो इसमें अभी फैसला होना है। जब वफाकी हुकूमत के एक मेहरबान की तरफ से इतनी सरसरीखेजी फैलाई जाएगी तो हमें जवाब देने के लिए कुछ तो बात बतानी होगी। तलाक जरूर दिया जाए मगर रेंजर्स को भी पाकिस्तान के कानून और हुकूमत सूबे के कानून और उनके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। वहाँ ऐसा माहौल पैदा न हो जिससे ये नजर आए कि यहाँ पे स्टेट विद इन स्टेट। पुलिस है, रेंजर्स को इन चारों ही इश्यूज पर, चारों ही ऑफेंस में कोई पावर या अख्तियार बाकी सिंध में नहीं दिए गए सवाए कराची के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम लीना शकी। नाज़रीन, एक बार फिर रेंजर्स और सिंध हुकूमत के दरमियान एक तनाव नज़र आ रहा है, एक फ्रिक्शन नज़र आ रही है, और हर 3 माह बाद जो वो एक्सटेंशन की बात आती है रेंजर्स के जो खसूसी इख्तियारात है और उनके क़याम के हवाले से जो एक्सटेंशन है जिसकी मुद्दत भी 19 जुलाई को ख़त्म हो चुकी है, और उसके बाद दोबारा एक वैसी सिचुएशन, एक सिमिलर सिचुएशन डेवलप हुई है। आज सिंध भर में रेंजर्स के तमाम विंग्स को छापों से रोक दिया गया है। रेंजर्स ऑपरेशन हैज़ कम टू अ हॉल्ट, कम्प्लीट हॉल्ट की तरफ हमें आता हुआ नज़र आया है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग भी ख़त्म कर दी गई है, और इसके साथ साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स को हेडक्वार्टर्स भी तलब कर लिया गया है। बिसाइड दिस, आपको ये भी बताते चले कि चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद कायम अली शाह साहब कंसल्टेशन में हैं अपने पार्टी की क़यादत के साथ, और वो कहते हैं जब तक जरदारी साहब से कंसल्टेशन और उनके अहकामात नहीं आ जाएं या उनसे मशवरा ना हो जाए तब तक इसकी समरी की मंजूरी वो नहीं दे सकते हैं। और बहरहाल ये मामला किस तरफ आते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि जरदारी साहब जिन्होंने लंदन से दुबई पहुँचना था उनकी भी वहाँ पर रवानगी में डिले नज़र आ रहा है। बहरहाल कैसी सिचुएशन डेवलप होने जा रही है, और क्या ये सिंध हुकूमत जो है जो कह रही है कि जो कंप्लीट सिंध में जिस रेंजर्स ऑपरेशन का दायरा कार जो वसी करने की ज़रूरत है, जो फैलाने की ज़रूरत है, उस पर उनके रिजर्वेशंस ये है कि वो कहते हैं ये गैर आइनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर यह भी मैंशन करती चलूँ कि असद खरल जो कि एक फ्रंट मैन कंसिडर किए जाते हैं वज़ीर दाखिला सिंध के, जो वज़ीर दाखिला हैं उनके भाई के फ्रंट मैन है असद खरल साहब, जो कि अरेस्ट किए गए हैं रेंजर्स की जानब से एक ऑपरेशन में। उनको लाड़काना से अरेस्ट किया गया था, फिर उनके सपोर्टर से उनको छुड़वा लिया था, रेंजर्स पे हमला भी किया था, और वो दोबारा अरेस्ट हुए हैं हैदराबाद से। क्या क्या इंकशाफात उनको जेर हिरासत में रहकर वो इंकशाफात कर सकते हैं उस पर भी तशवीश है, और क्या सिंध हुकूमत की जानब से ये जो तौसी का मामला है, खसूसी इख्तियारात का मामला है, ये कड़वी गोली के तौर पे सिंध हुकूमत ये निगलेगी या फिर एक लैश आउट जिस तरह करती हुई हमें नजर आती है, क्योंकि एतराफ़ जरूर करते हैं कराची में हालात में जो बेहतरी आई है उसका एतराफ़ भी करते हैं, और फिर इस एक्सटेंशन के मामले को लटका के रखना होता है। आज हमारे साथ स्टूडियोज में इस हवाले से इस बहस पर बात करने के लिए हमारे साथ शरीक हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, डिफेंस सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर लीगल एक्सपर्ट और चीफ कोऑर्डिनेटर APML के अहमद रजा कसूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और सेनेटर मियां अतीक साहब जो कि सीनियर रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के और उनके सदर भी हैं पंजाब से, वो भी हमारे साथ इस वक्त शरीक गुफ्तगू रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मियां साहब। और हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे नज़ीर लगारी साहब, सीनियर तज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, नीड्स नो इंट्रोडक्शन दो। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच नज़ीर लगारी साहब, आपने हमें ज्वाइन करा कराची से। अच्छा, हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, नज़ीर लगारी साहब मुझे कहा जा रहा है कि वेरी शॉर्टली ही विल जॉइन अस फ्रॉम कराची। जनरल साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। जनरल साहब, सिंध गवर्नमेंट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑन इट्स हैंड्स, अभी दोबारा उस तरह की एक सिचुएशन डेवलप हुई है, नॉट टू मिस आउट ऑन द पॉइंट कि इस हफ्ते हमने दीगर नामवर सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी भी देखी जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दीगर रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और जो नई पार्टी है पाकिस्तान जमीन पार्टी उसके भी रहनुमा गिरफ्तार हुए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहले तो ये कि इस तरह की गिरफ्तारियों से ये एक चीज़ वाजे हो जाती है कि ऑपरेशन जो है वो क्रॉस द बोर्ड सब के ख़िलाफ़ है, वो किसी एक के लिए नहीं है कि किसी एक को टारगेट किया जा रहा है, वो बात मैं समझता हूँ यहाँ बिल्कुल वाज़े तौर पे निगेट हो रही है।
دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ رینجرز کی ریکوائرمنٹ دیکھیں تو وہ تو موجود ہے ابھی سندھ میں, لیکن درمیان میں یہ وقفہ آ گیا کہ حکومت نے ان کو بر وقت جو بھی مشاورت کرنی تھی کر کر آ کے تو ان کو اختیارات دیتے یا ان کو فارغ کر دیتے. اب یہ وہ وقت ہے جہاں پہ کہ اگر ٹیررسٹ موومنٹ کرنا چاہیں, کیونکہ چیک پوسٹیں اٹھ گئی ہیں تو ہو سکتی ہے موومنٹ. سینسیٹیو ایریاز آپ کے جو ہیں وہ ابھی ان کا دفاع نہیں ہو رہا, وہاں سے پلگ کر لی گئی. حکومت سندھ آ کے اس وقت اکھڑی ہے جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے انٹیریئر سندھ کی طرف رخ کیا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی انٹیریئر سندھ میں چونکہ رسائی ہے اور ان کے وہاں پہ ان کے پاس چھپنے کی جگہیں موجود ہیں, چنانچہ جو کرمنلز ہیں جو کہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں کراچی میں اور پھر جا کے انٹیریئر سندھ میں چھپتے ہیں جہاں ان کو پروٹیکشن مل جاتی ہے لیڈرز وغیرہ سے, تو ان تک جب ہاتھ آیا تو سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پریشان ہو گئی اور پھر اس پہ آ کے یہ کہنا شروع ہوئے کہ جی اندرون سندھ کی تو ہم نے اجازت ہی نہیں دی اور آہان کو اور آگے اجازت دیں یا نہیں دیں. اب چیز یہ ہے کہ کیا یہ خلوص ہے آپ کا اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے آپریشنز کے ساتھ کہ ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رینجرز اگر انٹیریئر سندھ میں گئے ہیں تو کسی ایسے شخص کو پکڑنے گئے ہیں جس نے کراچی میں جرم کیا ہے, وہ کسی اپنے جائیداد کے جھگڑے کو نپٹانے تو نہیں گئے وہاں پہ. اور اگر آپ واقعی ملک کے ساتھ مخلص ہیں اور کراچی کے امن کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ کہیں گے جی کراچی میں جرم کرنے والا آدمی کہیں بھی پہنچا ہے دنیا میں اس کو پکڑا جائے بالکل. لیکن یہاں یہ ایسی کچھ عجیب سوچ ان کے ذہنوں پہ طاری ہے کہ وہ اس یعنی اپنے جرم کو تحفظ دینا یہ پرائرٹی ہے. پرائرٹی نمبر ون اپنی لوٹ مار اپنے جرم اس کو تحفظ دو, اس کے بعد پھر جو کرنا ہے کراچی میں کرو. اس سے بھی زیادہ جو شرمناک چیز ہے, جو مجھے تکلیف دہ لگتی ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں شاید اور کہیں نہیں ہوتی, وہ ہے اس پاکستان کے معاملات کو باہر سے چلانے کا رواج. چیف منسٹر تو چیف منسٹر ہے بھائی, 8 سال سے بیٹھا ہوا ہے, تو خود اگر اتنا بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ تجھے امن امان کے لیے ان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اور تو پوچھنے جاتا ہے دبئی کسی سے, وہ سندھ گورنمنٹ کی تو میٹنگز ہوتی ہیں سر دبئی میں ابھی بھی. یہ واحد ملک ہے پاکستان جس کو باہر سے چلانے کی ریت ہے, کوئی انگلینڈ سے, کوئی دبئی سے, کوئی سعودی عربیہ سے. یہ حقیقتیں ہمیں دیکھنی ہیں اور ان لوگوں کو ہم نے ڈسکریج کرنا ہے کہ یہ حرکتیں نہ کریں, یہ ملک کے وقار کے بہت خلاف ہیں. اور پھر اگر تم خود فیصلے کے اگر قابل نہیں ہو, کر نہیں سکتے, تو پھر تم چھوڑ دو, تمہیں بیٹھنے کا حق کوئی نہیں ہے یہاں پہ. اگر تم اتنے محتاج ہو کہ اب بلاول بھی وہاں چلا گیا, اب اس سے بھی پوچھنا ہوگا تو یہ دبئی جائیں گے, یہ موصوف جو ہیں یہ بزرگ آدمی, تو پھر ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ یہاں یہ بیٹھے. پھر وہ بچے بلاوڑے شلاوڑے جو ہیں وہ ان کو لا کے یہاں بٹھا دیں تاکہ وہ کام چلائیں. بٹ سر معاملہ لے کے کس طرف جا رہے ہیں قصوری صاحب؟ یہ عجیب بات نہیں جو جنرل صاحب نے بھی کہا کہ رینجرز اگر اپنے لوگوں کی گرفت کرے تو غلط ہے اور اگر دوسروں کی کرے تو صحیح ہے, اور اگر آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ کراچی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے, پھر کس بات کا مسئلہ ہے؟ اس کو بار بار کیوں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ ہر 3-3 ماہ بعد آپ توسیع کو لے کر اس طرح چیلنجنگ ایک بنا دیتے ہیں سچویشن؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ ان پرنسپل جو چیز طے ہوئی اور ہونی بھی چاہیے تھی کہ اکیوز جو ہے جس نے جرم کیا ہے اس کو صرف مجرم ہی کہنا چاہیے, اس کا دوسرا نام نہ ایم کیو ایم ہے, نہ پیپلز پارٹی ہے, نہ اے این پی ہے, نہ کوئی ریلیجس پارٹی ہے, اس مجرم کا نام مجرم ہی ہونا چاہیے. And he has to be dealt as a mujrim. It's immaterial whether he is an office bearer of a party or he is a member of the parliament. It's absolutely immaterial. If somebody is a lawbreaker, if Zulfikar Ali Bhutto, being the former prime minister, he could be sent to the gallows for murdering a citizen, so then nobody is a sacred cow. Jahan tak people's party ka taluk hai bar karne ka, iski rasam Zulfikar Ali Bhutto ne dali. You see, 1971 میں میرے وہاں سے میرے سیریس ڈفرینس ہی ہیلڈ دی میٹنگ آف دی سینٹرل کمیٹی آف دی پیپلز پارٹی ان تہران, کیونکہ تہران میں کیوں کی گئی کہ وہاں جو اس وقت امریکن امبیسڈر تھا اس کا نام تھا رچرڈ ہیلم اینڈ ہی واز اے فارمر سی آئی اے چیف, اور یہ پاکستان کے بریک اپ کا سارا نقشہ وہیں ڈیولپ ہوا. سو یہ جو ان کا جو پیٹرن ہے باہر میٹنگس کرنے کا دنیا میں کہیں
किसी सिविलाइज कंट्रीज की, मुल्क की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग, पार्टी की मीटिंग या उसकी कैबिनेट की मीटिंग आउटसाइड कंट्री नहीं होती. दैट्स कंसिडर्ड टू बी हाईली नॉन पोलिटिकल एंड इमोरल, पोलिटिकल इमोरल. सो चीज़ ये है, अब इसका नाम जो पीपल पार्टी का नाम लोगों ने बदल दिया है, अब ये पीपीपी नहीं रही, अब ये बन गई डीपीपीपी, दुबई पीपल्स पार्टी, क्योंकि इट्स बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम दुबई. इट हैज़ गॉट नथिंग, नो नेक्सस इन कराची, नो नेक्सस इन लाड़काना, नो नेक्सस इन एनी पार्ट ऑफ सेंट सिटी. सो बात ये है, ये जो इनकी जो दम पर पैर आया है वो इसलिए आया है कि जो लोग क्राइम कमिट करते हैं, सिंध जो है इज अ ह्यूज बिग टेरिटरी, वो उनका बैकयार्ड है, दैट इज देयर हाइडिंग प्लेस. अगर वहाँ से क्राइम करके लोग भागेंगे सिंध में और वहाँ किसी वडेरे की, किसी मेंबर पार्लियामेंट की जो पना में चले जाएंगे, और वहाँ पुलिस भी जो है वो सिंध पुलिस जो है ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइजिंग पॉस्चर में है, तो चीज़ ये है कि सारा का सारा ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. चीज़ ये है कि आर्मी ने एक डिटर्मन ये किया है कि हमने जो फिजिकल टेररिस्ट हैं उनको तो हमने फ्लश आउट कर दिया फ्रॉम साउथ सिस्तान, नॉर्थ सिस्तान, लेकिन एक्चुअली इनके पीछे जो लोग हैं, जो इनकी फंडिंग करते हैं, एमुनेशन देते हैं, 15-15 लाख रुपया जो किलर्स को दे के लाते हैं, वो फंडिंग कौन करता है? दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक टेररिज्म. नाउ आर्मी फील्स कि जब तक इकोनॉमिक टेररिज्म का कला कमा नहीं होगा, ये टेररिज्म जो है ये कहीं ना कहीं इसकी आग सुलगती रहेगी. लिहाजा जब रेंजर्स ने कहा कि इनकी पनागाह जो है वो इंटीरियर सिंध है, इनकी पनागाह पर भी हम पहुंचना चाहते हैं. बट सर, इज़न्ट दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब वो कह रहे हैं कि ये गैर आईनी है, इकदाम है, क्योंकि रेंजर्स को इख्तियारात कराची के हद तक मिले हैं, सिंध तक तो आपने नहीं किया, या तो फिर आप उनका कर दें, आप इसको डिफाइन कर दें इस चीज को. फौज में होते हैं, जंग में होता है, दिस कॉल्ड हॉट चेस. हॉट चेस जो है इंटरनेशनल लॉ में, मिसाल तौर पर आप किसी को चेस करते करते अफगानिस्तान पहुंच जाए, दैट हॉट चेस इज रिकग्नाइज इन इंटरनेशनल लॉ. इसी तरह अगर क्राइम कराची में होता है तो उसको रेंजर पकड़ने के लिए लाड़काना भी जा सकती है, सखर भी जा सकती है, नुशियारा फिरोज भी जा सकती है. सर, अब क्रिटिकल क्रिटिकल मोमेंट है पीपल्स पार्टी के लिए भी. सर, आपने कहा कि कॉम्प्रोमाइज करेगी अगर एक्सटेंशन के लिए नहीं रजामंदी करती, और अगर रजामंदी करके एक्सटेंशन दे देती है, तो फिर उनके तो करीबी साथी पकड़े जा रहे हैं. सर, मिस्टर शाह साहब हैज बिकम ए सेनाइल. अब वहाँ जो मंजू दारू के बाद जो बड़ी हिस्टोरिकल जो बंदा है वो है शाह साहब, उसको भी मंजू दारू में कहीं रख देना चाहिए, सजा कर दी थी. मियां अदीक साहब इसमें रोल जो प्ले कर रहे हैं वो बेटर का रोल है, जब आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. एब्सोल्युटली जी मियां अदीक साहब, हकीकतन तो इन सब देखिए, जहां तक अभी आपने बात की आईनी और गैर कानून गैर आईनी की, तो ये मेरी ख्वाहिश पर या किसी के कहने से कोई चीज आईनी या गैर आईनी नहीं हो जाती. ये जरूर है कि आईन की एक क्लॉज पढ़कर और उसको अपने एंगल से जब बताया जाता है तो मुल्क भी मौजूद है सारा, और यहाँ माहिर कानूनदान भी मौजूद हैं, हमारे साथ भी बैठे हैं जो आईन और कानून को बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं, बनाने में हिस्सा भी लिया है, आईन बनाने वालों में है जी. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये उन्होंने एक सिर्फ वो हुज्जत बराए हुज्जत कहते हैं ना. अब आ जाते हैं दूसरी बात पर, ये जो रेंजर की तौसी का मामला है, तो अलीना अगर हम याद करें इससे पहले जब भी तौसी हुई, चाहे मई में हुई या लास्ट अगस्त में हुई, तो क्या इतनी आसानी से तौसी हो गई थी? क्या इनको मालूम नहीं था अगर वाकई में ही इनको रेंजर को वहां रखना है तो 19 ये जो अभी जुलाई आया इससे पहले ये तौसी कर देते. इसी तरह इन्होंने मई के महीने में भी नहीं किया, फिर इन्होंने 78 डेज के लिए दोबारा ये किया. अच्छा, सो बात ये आती है, अब ये चाह ये रहे हैं कि जैसे पहले चीफ मिनिस्टर साहब को एक हंगामी दौरे पर इस्लामाबाद बुलाया गया और फिर बिठाकर समझाया गया, कुछ पढ़ाया गया, जिसके बाद उन्होंने जाकर वो एक तौसी कर दी. शायद इस दफा भी ऐसा ही हो. निसार साहब कह रहे हैं कि हर तरह से हर सूरत में रेंजर्स वहां पर रहेगी. यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूं, यही बात तो चौधरी निसार साहब ने मई के महीने में भी कही थी. वो पंजाबी कहते ने ना कि 100 प्याज भी 100 घंटे भी खावांगे, 100 छितर भी खावांगे, तो फिर जो कहोगे वो करांगे भी. दैट्स व्हाट द सिचुएशन इज. अब आ जाते हैं दूसरी बात पर. देखिए, रेंजर्स की अभी भी जो ऑपरेशन हो रहा है वो हो रहा है नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक, और वो है दहशतगर्दों के खिलाफ,
دہشت گردی کے خلاف جو پورے ملک میں ہو رہی ہے اور معاشی دہشت گردوں کے خلاف جو سہولت کار ہیں ان کے خلاف، اس پر وضاحت آلریڈی ہو چکی ہے۔ ڈی جی رینجر صاحب نے ابھی 3 دن پہلے ایک بیان دیا تھا، اس کے 19 سے پہلے 17 کو شاید، کہ جناب ہمارا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ سندھ کی بات ہو یا پنجاب کے ساؤدرن پنجاب کی بات ہو، وہ میں اس کو دوسری طرف سے لوں، سمندر کے کنارے ہو، میدانوں میں ہو یا پہاڑوں میں ہو، جہاں دہشت گرد ہوں گے وہاں رینجرز پہنچے گی۔ یہ تو بات ان کا اپنا انہوں نے واضح کر دیا، اور یہ جو والا اس میں یہ بات واضح الفاظ میں ثابت ہو گئی کہ جی آپ کہہ رہے ہیں نا اختیار نہیں ہے، یہ تو وہ سائنس سرکار کہہ رہے ہیں نا، وہ پتہ نہیں کہیں بیٹھے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، جاگ رہے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، کچھ کھا رہے ہوں گے، کچھ پی رہے ہوں گے، لیکن جو ان کے اختیارات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اور جو ڈی جی رینجر کے اختیارات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، ان کی خواہش پہ یا کسی کی خواہش پہ ڈی جی رینجر والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے گرفتاریوں والی، وہ بھی ذرا ایک منٹ مجھے دیجئے گا۔ جہاں تک گرفتاریوں کا تعلق ہے، ضرور ہم خود کہتے ہیں کہ جو جو کرمنلز ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو پھر یہ دیکھ صاحب یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ یہ جو ایکشن ہے، یہ ایکشن پلان جو ہے، it has turned into a tool for political victimization۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اے ٹی سی میں جو کیس چل رہا تھا ڈاکٹر صاحب کا، اس کے مطابق ایک جی آئی ٹی ہوئی، اس جی آئی ٹی میں نام آ گئے ان کے کہنے کے مطابق، سو جس کے اوپر ضمانت کرائی گئی ہمارے اپنا جو روف صدیقی بھائی ہیں ان کے اور وسیم اختر کے، اب وہ ضمانت منسوخ ہو گئی۔ اب یہ علیحدہ بات ہے، کیا اے ٹی سی میں اگر 100 لوگوں کے نام، سوری یہ جو جے آئی ٹی ہے، آج سے پہلے کبھی بھی بہت ماہر قانون ہے ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی جو ہیں بڑے، کہ یہ بتائیں گے کہ کیا صرف اور صرف جے آئی ٹی کی بنیاد پر اب لوگوں کو اس طرح پکڑا جائے گا اور ان کے خلاف ساری کاروائی کی جائے گی اور کل کو لے جا کر ان کو پھانسی دے دی جائے گی؟ یہ شاید مناسب نہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں، دیکھیے وسیم اختر صاحب کے لیے کل بڑی حیران کن بات ہوئی کہ ان کو حوالے کر دیا گیا، کس کے؟ راؤ انوار کے۔ اور راؤ انوار کون؟ معذرت کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کل میں نے ایک پروگرام میں دیکھا وسیم بدامی کے، راؤ انوار خود اپنے قصے سنا رہے ہیں 1992 کے، کہ جی میں تو 1992 میں بھی اسی طرح کے کام کیا کرتا، اور وہ مشہور ان کی جو قابلیت ہے، وہ جو ہر ایک بندے کی ایک کمانڈ ہوتی ہے نا پولیس میں، ان کی کمانڈ کیا ہے، وہ جو ٹارگٹ، وہ جو اپنا کس میں مارتے ہیں سر، انکاؤنٹر کرنا، اور انکاؤنٹر میں ہمارا یہ جو ہتھکڑی ہوتی ہے نا، یہ کھولنا بھی بھول گئے، کسٹوڈیل کلنگ کیسے کہتے ہیں، وہ انکاؤنٹر کے اتنے ماسٹر ہیں کہ انہوں نے کہا جی یہ بھاگ رہا تھا اور اسے، اور ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، پاؤں میں بھیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں اور تصویر آ گئی ہے، سو ان کی کمانڈ جو ہے وہ انکاؤنٹرسٹ ہیں، جس کی وجہ سے یہ، اب میں نہیں سمجھ پا رہا کہ آخر اس میں سندھ حکومت انوالو ہے، رینجرز کی بات ہے، یا کوئی اور کسی کی خواہش پر کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک ایسا پولیس آفیسر جو اپنے آپ کو کھلم کھلا کہتا ہے کہ جی لاؤ مجھے کوئی کام دو، میں ایم کیو ایم کے بارے میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، ان کو اور دیا کس چیز میں ہے کہ ان کے علاقے میں جو ایف آئی آر کاٹی گئی، وہ ایف آئی آر کس نے کٹوائی ہے؟ کسی کو نہیں پتا، عام عوام نے ایف آئی آر کٹائی ہے، کیس ان پر کیا بنا ہے کہ وہ سہولت کار ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میاں عتیق صاحب، میں چاہ رہی ہوں نذیر لغاری صاحب اس وقت ہمیں اسٹوڈیو سے جوائن کر چکے ہیں، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم نذیر لغاری صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ نذیر لغاری صاحب، ہم بات کرے تھے رینجرز کے اختیارات کے، اسپیشل ان کے پولیسنگ پاورز اور ان کے وہاں پر اختیارات کے حوالے سے، مجھے آپ بتائیں گے آپ کے انیشل سر انالیسس اس پہ کیا ہے؟ ہر 3 ماہ بعد ہم یہی ڈبیٹ میں پڑے ہوتے ہیں، اور رینجرز اگر سندھ حکومت کو پسند نہیں تو پھر ان کو فارغ کیوں نہیں کر دیا جاتا، پولیس کو ان کو ریپلیس کروا دیں، پھر پولیس ریپلیس کرے، پولیس اور انٹیلیجنس کی کارکردگی بہتر بنائے۔ میرے خیال میں سندھ حکومت میں ہمت نہیں ہے، سندھ حکومت کو ایسا کر دینا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے کہ جی رینجرز کی خدمات ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر اس طرح کا آپریشن ہو رہا ہے، ضرب عزم ہو رہا ہے اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو رہا ہے، تو وہ پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ بلوچستان میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دہشت گردی کوئٹہ میں نہیں ہوئی، دہشت گردی پشاور میں نہیں ہوئی، دہشت گردی لاہور میں نہیں ہوئی، دہشت گردی جو ہے وہ سرائیکی بیلٹ میں نہیں ہوتی ہے، دہشت گردی ڈرائی اسماعیل خان میں نہیں ہوتی ہے، دہشت گردی ملک کے دوسرے علاقوں میں نہیں ہوتی ہے، وہاں بھی رینجرز کو بلایا جائے، پورے ملک میں رینجرز کو بلایا جائے اور رینجرز کے حوالے کر دیا جائے لا اینڈ آرڈر کو، اور یہاں پر کیا جاتا ہے، اور سندھ حکومت جو بیچاری دم ساتھ کر بیٹھی ہوئی ہے
और अब कराची में क्या हो रहा है, कराची में अमन है, कराची में सुकून है, कराची में सबको ठीक है, अब नए इश्यूज पॉलिटिकल इश्यूज की बुनियाद पर चीज़ें सोची जा रही हैं, चीज़ें की जा रही हैं, और फिर एक सूबे को ही निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब में कोई आंख उठाने को तैयार नहीं है, उस तरफ देखने को कोई तैयार नहीं है, सहूलतकार वहाँ नहीं है, दहशत गर्द वहाँ है, नर्सरियाँ वहाँ हैं, सहूलतकार वहाँ हैं, हुकूमत की छाँव में परवान चढ़ते हैं, हुकूमत उनको खुद परवान चढ़ाती है। पंजाब हुकूमत सरप्रस्त से आला है सारी दहशतगर्दी की, और पंजाब हुकूमत उसको चला रही है दहशतगर्दी को, तो उसको कोई बात नहीं करता। वहाँ रेंजर्स नहीं जाते हैं, छोटू गैंग के लिए सिर्फ एक सेगमेंट के लिए जो है आती है फौज, आकर उनको साथ लेकर जाती है, वापस फिर डेरा गाजी खान पुलिस के हवाले कर दिया जाता है उससे, और फिर रेंजर्स के हवाले नहीं होता है या किसी और फोर्स के हवाले नहीं होता है। ये सिंध में ही एक ऐसा इशू चल रहा है, और सिंध में रेंजर्स तो ये चले ठीक है, दो ढाई साल से यहाँ पर एक्टिविटी हुई है, लेकिन रेंजर्स तो यहाँ पर 25 साल से मौजूद है, तो 25 साल से क्या मुसलसल ऐसी सूरत हाल मौजूद थी, या रेंजर्स की ऐसी कारकर्दगी भी मौजूद थी कि रेंजर्स के होते हुए ये सब कुछ हो रहा था? पहले भी तो हो रहा था, टारगेट किलिंग हो रही थी, नेशनल एक्शन प्लान के तहत चीज़ें ठीक हुई हैं, तो उसको उस तक रखा जाए, सियासत में ना फैलाया जाए। ये ठीक है कि जी वसीम अख्तर की गिरफ्तारी तो गलत है, लेकिन फुलां की गिरफ्तारी ठीक है, अगर एमकेएम का या किसी और जमात का बंदा गिरफ्तार होता तो ओहो हो ये इसको कैसे हाथ लगा लिया, और इधर पीपल्स पार्टी का कोई पकड़ा जाता है तो कहा जाता है वो भाई ये तो चोर था, ये तो डाकू था, ये तो दहशतगर्द था, ये फैसिलिटेटर था, इस तरह का नहीं होना चाहिए। बट नजीर भाई साहब, जो 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 पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बातें की जाती है सियासी जमातों की, जा रही है, फिर क्या इनके तहफ़ुज़ात को मद्देनजर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखा जाए, सियासी जमातों के जो उनका अगर विक्टिमाइज किया जा रहा हो तो उसको विक्टिमाइजेशन उनका सामने रखा जाना चाहिए। आप इस मुल्क के अंदर किसी चीज़ की छानबीन करने को तैयार नहीं है, आप दहशतगर्दी के रूट काजेज को जानने के लिए तैयार नहीं हैं, आपको पता नहीं है कि किस तरह से इस मुल्क के अंदर ऑर्गेनाइज तौर पर दहशतगर्दी को फैलाया गया, उसे परवान चढ़ाया गया, वहाँ नर्सरियाँ तैयार की गईं, वहाँ पर लोग तैयार किए गए, उनके हाथों में असला दिया गया, असला किसने दिया, दहशतगर्दी को ट्रेनिंग किसने दी, ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को खोलें फिर आपको एक एक चीज़ का पता चलता जाएगा। यहाँ बताया जाए कि मिलिटेंसी किसने लाई है, कौन लाया है इस मुल्क के अंदर, क्या मिलिटेंसी पोलिटिकल पार्टियाँ लाई हैं, क्या पीपल्स पार्टी लाई है, क्या मुस्लिम लीग नून लाई है, क्या पीटीआई लाई है, या कोई और जमात लाई है? भाई जिन लोगों ने मिलिटेंसी को यहाँ परवान चढ़ाया उनको उनके नतायज भी और उनको कॉन्फिडेंट भी करना पड़ रहा है। लेकिन ठीक है, अगर आप चाहते हैं मिलिटेंसी खत्म हो तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को एक तरफ रखें, ये नहीं है कि हम हाँ एहतसाब करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चोरों का एहतसाब करें, डाकू का एहतसाब करें, आप चाहते हैं लुटेरों का एहतसाब करें, बिल्कुल करें, लेकिन ये नहीं हो कि आप इकरार का बोर्ड ना करें। पंजाब में जो बात की रियलाइजेशन नहीं होती कि जो भी मिसहैप हो रहा है उसकी जिम्मेदारी खुद है। देखिए बात यह है कि बात आप दुरुस्त कर रही हैं, नज़ीर लगारी साहब की बात चीज़ों पे मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। बड़े मोहतरम हैं, बड़े साफ गो आदमी हैं, और मैं हमेशा बड़ा इन्जॉय करता हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करते हैं ये। देखिए ये कहना कि रेंजर्स 25 साल से थे, तो पुलिस और ये हुकूमत भी तो 68 साल से वहाँ बैठे हुए थे, क्या कर रहे थे? मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं 8 साल से तो ये बैठी हुई है हुकूमत, उससे पहले वो क्यू लीग वगैरह और वो बैठे हुए थे लोग, पीछे मतलब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी 8 साल से बैठी हुई है, 68 साल से पुलिस भी वहाँ मौजूद है। तो ये मेरा ख्याल है आर्गूमेंट जो है ये कोई ऐसी मुफीद आर्गूमेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम इससे कुछ वाकई मकसद हासिल कर सकें। हमें ये देखना है कि जब हमने रेंजर्स को स्पेशल पावर्स दी तो क्या वाकई उसके बाद इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं हुई। सर उस बात को तो इतराफ़ करते हैं ना। नहीं, मगर वो इतराफ़ से के आगे चलना है ना, अब इतराफ़ के बाद ये करना है कि अगर इम्प्रूवमेंट हुई तो फिर हम उनको पावर्स दें ताकि आगे काम चलता रहे। मैं इनकी बात से 200% इतफ़ाक़ करता हूँ कि जुर्म सिर्फ सिंध से हमने ख़त्म नहीं करना, हमने पूरे मुल्क से जराइम ख़त्म करना है, या पूरे मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म करनी है। और ये सारा दूसरी जगहों पे लोगों को कहने का मौका इसीलिए मिलता है कि ये हुकूमत पंजाब में वो ऑपरेशन नहीं कर रही जो करना चाहिए था। बिल्कुल, पंजाब में भी गैंग्स मौजूद थे, इनफैक्ट जो सेक्टेरियन वायलेंस है वो तो शुरू पंजाब से हुई है, वो तो साउथ पंजाब से ही उसका शाखसाना उठा। तो ये दबाव लाना, ये पार्लियामेंट में जो सारे बैठे हुए हैं जिनका लीडर भी हमारा अपोजिशन का लीडर भी पीपल्स पार्टी से है, उसको सामसूंग जाता है, वहाँ ये बात नहीं वो करता, क्यों नहीं मुतालबा करते वहाँ पे कि जी हम आगे नहीं चलने देंगे आपको जब तक कि आप ये काम नहीं करते। पंजाब में भी शुरू करें, पंजाब में भी यही लोग बसते हैं, पीपल्स पार्टी का एक दौर था जब पंजाब से ही लेके उठे थे और हुकूमत इनको मिली थी,
और आज भी अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी पॉपुलर होगी जीतेगी तो ये हुकूमत में होंगे यहाँ पे। तो हमें डिस्क्रिशनरी फंड मिल गया ना सर। मेरी मेरी बात ये है कि पब्लिक में आके एक स्लोगन दे देना और पार्लियामेंट में हुकूमत के साथ जाके इत्तफाक कर लेना, खड़ा हो जाना, ये कहां की आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर है तकरीर करके, और वो क्यों नहीं वहां पे कहता है कि जी जब तक आप ये नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बात वहां पे कभी नहीं हुई। दूसरी तरफ जो सिंध का मामला है, आप इसको दूसरे सूबों के साथ एक सिंध के अपने मफाद को देखते हुए ना जोड़ें। अगर किसी भी सूबे में जुर्म कम होगा तो वो सूबे को फायदा होगा। बिल्कुल। अगर उसमें दहशतगर्दी कम होगी, अगर कराची में कारोबार बढ़ेगा तो सिंध को फायदा होगा। उसको भी मुतनाजा कर दें तो फिर वो आप ये देख लीजिए कि बाकी तो बैठे हुए हैं वो बंद करके और कुछ नहीं हो रहा, तो ये भी रह जाएगा पीछे। और जिसकी तो मेरा अपना ख्याल है कि जबकि इस ऑपरेशन के मामले इसको तो डिस्प्यूटेड नहीं बनाना चाहिए, इसके बारे में तो ये नहीं कहना चाहिए कि जी अगर ये आपने फला नहीं कर दिया तो ये नहीं होगा, ये तो चलना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट में जाके आप उस पर आके बड़ा स्ट्रांग स्टांस लें कि जी हम मुतमइन नहीं है बाकी सूबों के आपके प्रोग्राम से, जो आप बाकी सूबों में कर रहे हैं उसमें मुतमइन नहीं है, ताकि हमें भी पब्लिक को भी पता लगे कि आप जो ये मुतालबा करते हैं इसमें किस हद तक सिंसियर है, कि आप सिर्फ सिंध से जान छुड़ाना चाहते हैं। सो ये चीजें जो है इनको मेरा ख्याल है किसी तरीके से हैंडल होना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो भी होना चाहिए हर सूबे में, लेकिन कोई कि जब आपकी गर्दन पे हाथ पड़ा तो आप पंजाब का नाम लेना शुरू कर दें, बलूचिस्तान का नाम लेना शुरू दें, किसी और का। कसूरी साहब, जब तक आपके हाथ में नहीं गर्दन पे पड़ता तो आप सिर्फ आप मुतमइन है, ठीक है, चलता है। किसी सूबे में बड़ा इंसिडेंट, बड़ा मिसअप होता है, वो उसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पे आयद होती है। और अगर ऑपरेशन इस जराइम के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, अगर ऑपरेशन में सूबाई हुकूमत की रेजिस्टेंस देखी जाए तो फिर इस बात से क्या यही अंदाजा लगाया जाए कि तहफ्फुज़ जो क्रिमिनल्स को जो तहफ्फुज़ है वो भी वहां की हुकूमत ही कर रही है। देखिए मैं इसमें कोई शक, जहाँ तक नज़ीर लगारी साहब का जो ग्राउज है कि ये जो अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, देयर इज समथिंग कॉल्ड पैरिटी, कि नज़र आनी चाहिए कि सबके बराबर सलूक हो रहा है, लॉ इज ट्रीट्स एवरीबॉडी एट पार। एब्सोल्युटली। अब चीज़ ये है कि पंजाब के अंदर राणा सनाउल्लाह, राणा मसूद, ये कोई शेर अली और फलां, ये देर ऑल सेम करेक्टर जो सिंध में जैसे पकड़े जा रहे हैं, ये नहीं करती। असल में जो ट्रांसपेरेंट उस दिन लगेगा जिस दिन इन रानो शानों को पकड़ा जाएगा और नवाज शहबाज शरीफ को पकड़ा जाएगा। शहबाज शरीफ जो है ही इज नॉमिनेटेड एज एन एक्यूज पर्सन जिसमें 14 लोगों की शहादतें हैं और को नियरली अबाउट 95 के लगभग इंजर्ड हैं। That case is registered. अगर जुल्फकार अली भुट्टो का केस 4-5 साल के बाद चल सकता है तो why can't this case 2-3 साल के बाद क्यों नहीं चलता था? लिखा हुआ है उसी। दूसरी बात उसी, ये GIT की बात जो है उस पर भी मैं थोड़ा कह दूं, आई एम नाउ गिविंग यू लीगल पोजिशन, कि हमारे यहाँ लॉ में एक प्रिंसिपल है कि इफ्सी डिक्सिट ऑफ द पुलिस हैज गॉट नो वैल्यू, कि जो पुलिस अपना वर्शन देती है, अपना जो रिपोर्ट हम देते हैं जिसको कहते हैं चलान 173, दैट्स ओनली अ वर्किंग डॉक्यूमेंट, इट्स ओनली अ वर्किंग डॉक्यूमेंट फॉर द कोर्ट। कोर्ट अगर पुलिस की या GIT की रिपोर्ट्स पर अपने फैसले करने शुरू कर दे तो फिर कोर्ट्स का फिर रोल क्या रह गया? कोर्ट हैज टू डू द स्कैनिंग, कोर्ट हैज टू डू द सिफ्टिंग। सिफ्टिंग क्या क्या मतलब है? कि दाने जो गंदम का दाना जो है उसको तूड़ी से अलग अलग करना, इसको कहते हैं सिफ्टिंग, झूठ और सच का को अलग अलग करना। नाउ दैट सिफ्टिंग ऑफ द एविडेंस के सच्चाई कहां है, दैट इज डन बाय द कोर्ट्स। तो सिर्फ ये कह देना कि GIT में किसी का नाम आ गया है या पुलिस की रिपोर्ट में आ गया, दैट बाय इटसेल्फ इज नाइदर हियर नॉर देयर, इट हैज टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट कि वेदर जो एविडेंस है वो रीडेबल एविडेंस है, वो एडमिसिबल एविडेंस है, उसमें सच्चाई का एलिमेंट कितना है। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और अक्रॉस द बोर्ड जब तक ये नहीं होगा, जब तक पंजाब में हाथ नहीं डाला जाएगा, ठीक है, सिंध वालों को हमेशा ये ग्राउज रहेगा और फिर आप खमखां एक फिर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहां आप एक सूबे को खमखां इलिनेट कर रहे हैं। अगर आप पंजाब पर हाथ डाल दें
और पंजाब के भी बड़े बड़े जो हैं लीडर्स उनको पढ़ाएगा, कौन मजबूर करेगा? वो बात सही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे खुर्शीद शाह साहब बैठे हैं, उस खुर्शीद शाह साहब तो क्यों नहीं बात करते? वो अभी रिसेंटली 68 करोड़ रुपए का डिस्क्रिशनरी फंड मिला है, वो वही मैं कह रहा हूँ, जब आप जब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं बाद में डिस्क्रिशनरी फंड ए फ्रेंडली ऑपोजिशन, ही इज हेडिंग ए फ्रेंडली, जो सीओडी सीओडी हुआ यही था जो जिसको सीओडी कहते हैं, दैट इज एक्चुअली इट वाज सी जो चार्टर, इट वाज नॉट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, इट वाज अ चार्टर ऑफ डिकॉयटी, इट वाज चार्टर ऑफ डिकॉयटी के 5 साल तुम करना, हम सिर्फ बोलते रहे, और दूसरी चीज ये कंसिडरिंग द रीसेंट अरेस्ट, आप लोग का क्या लायमल होगा? एंड जब ये बात की जाती है डीजी रेंजर सिंध, बल्कि उन्होंने टेलीफोन पे भी बात की चौधरी निसार साहब ने, उन्होंने यही चीज पर एक क्लियर एक स्टांस रखा कि द ऑपरेशन विल टारगेट ईच एंड एवरी क्रिमिनल। देखिए अलीना, ये वही ऑपरेशन है जिसके लिए एमक्यूएम ने सबसे पहले कहा था, आज भी हम इस ऑपरेशन के साथ हैं, हम आज भी कहते हैं, कल तहरीक ने अभी चंद रोज कबल भी ये कहा कि जितने लोग क्रिमिनल्स हैं अगर हमारी जमात में भी हैं जरूर पकड़े, कानून के मुताबिक उनको कोर्ट में ले जाए, उनको जो सजा बनती है वो दे, हमें कोई एतराज नहीं है। बात फिर वही आ रही है, डिस्क्रिमिनेशन कतई तौर पर नहीं होना चाहिए, पूरे मुल्क का कह लें, पूरे सूबे का कह लें, कराची का कह लें, किसी जगह भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। सर आपके सिंध में तो डिस्क्रिमिनेशन, आपको लगता है डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो? लेकिन शुरू से क्या हुआ, आज कितना अरसा से एमक्यूएम के साथ क्या हो रहा था, आज पकड़े गए ना ये असद खरल साहब जो पकड़े गए, या और जो लोग चंद दिनों में ही पकड़े गए ना, इसी उस पे आकर पहले भी पकड़े हैं, लियारी में ऑपरेशन हुआ है, ये नहीं उस तरह नहीं था, बहरहाल ये एक अलहदा बात है, अलहदा बहस है। फिर ये कहता हूँ कि जो पकड़े गए हैं हमारे साथी, ये कोई पहली बार नहीं है, इल्जाम तो 92 से लग रहे हैं, लगते जा रहे हैं, उनके फेस कर रहे हैं, कोर्ट में जाते हैं, फेस करते हैं, अभी भी हम एहतजाज हमारा आईनी और कानूनी हक है, जो आईन और कानून के मुताबिक हमें एहतजाज का हक दिया गया हम वही करेंगे, किस पुरमन, किसी किस्म का कोई हुल्लड़बाजी, कोई ट्रैफिक जैम करना, कोई तोड़फोड़ करना ना हमने पहले की है ना आइंदा करेंगे। एक और फर्क देख लीजिएगा, 1000 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के छापे मारे गए रेंजर की तरफ से, कोई रिजेंटमेंट नहीं हुई एमक्यूएम के किसी कारकुन की जानिब से, जिम्मेदार की जानिब से। लाड़काना वाला वाकया क्या साबित करता है, असद खरल को बहुत ज्यादा कोई खास शख्सियत था? आज कहा जा रहा है ना कि जी वो क्या है अगर पकड़ा गया, अगर नहीं खास तो होम छुड़ाया क्यों? सर यही कह रहे हैं ना, वाकई में होम सेक्रेटरी खुद इन्वॉल्व, होम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व हो गए, 8 SHO वहां पहुंच गए, 200 के करीब लोग वहां पहुंचे SHO छुड़वाने के लिए पहुंचे, और ले जाकर जो हम कहते हैं ना कानून नाफिज करने वाले इदारे, रेंजर्स के लोगों को ले जाकर थाने में बैठा दिया गया। अब मैं इससे ज्यादा कहूंगा तो जरा गलत हो जाएगा, गन्स उनसे ले ली गई, ये क्या हुआ, इट वॉज अ पावर शो। लेकिन अगेन फिर मैं वही कहता हूं कि जो फौज है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम फौज पाकिस्तान कहते हैं तो आज भी वो इदारा हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, क्योंकि उसमें एक यूनिटी है, उसमें जो है हर बात एक उसके मुताबिक सिस्टम के मुताबिक चलती है, इसीलिए इस चीज को यहां रोक लिया गया। और मैं कहता हूं अगर इस असद खरल को ना पकड़ा जाता तो बहुत से सवालिया निशान खड़े थे। नजीर लगारी साहब, असद खरल की गिरफ्तारी और जिस तरह से फिर उनको छुड़ाने की कोशिश की गई से, पीपल्स पार्टी को के लिए कोई झटका है, मजीद इंकशाफात की तवक्को की जा सकती है जिससे पीपल्स पार्टी को डर और खौफ महसूस हो रहा है? एंड सेकेंडली सर, जब बिलावल भुट्टो बात करते करप्शन और एहतसाब की, तो क्या अपना सूबा उनको नजर नहीं आ रहा, या अपने सूबे के भी बयाब पे वो ये बात बोल रहे होते हैं? पहले ऐसा हुआ था कि डॉक्टर आसिम हुसैन को गिरफ्तार किया गया तो कहा था कि पीपल्स पार्टी पर कयामत टूट पड़ेगी, आसमान गिर पड़ेगा, पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी, बड़े इंकशाफात होंगे। फिर उज़ैर बलोच पकड़ा गया, कहा कि जी वो बहुत बड़े इंकशाफात हो रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ें आ रही हैं। फिर असद करल को पकड़ा गया है, इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, कुछ नहीं होगा, जिस तरह से पहले होता रहा है
इसी तरह से बातें होती रहेंगी और उसके बाद टाइम टाइम फिश हो जाएगा। मसला ये है, मेरा ये किसी के गिरफ्तार करने या न करने पर एतराज नहीं है, मेरा कहना यह है कि क्या पाकिस्तान बनने के बाद आपको पता है कि चार वज़रा आला यके बाद दीगरी हटाए गए, खान बहादुर अयूब खोड़ो को हटाया गया, उसके बाद पीरियलाई भाई को हटाया गया, उसके बाद जो है काजी फजलुल्लाह को हटाया गया, उसके बाद जो है वो अपना यूसुफ हारून को हटाया गया, और उसके बाद जो है वो अपना पीरजादा अब्दुस्तार को हटाया गया, और इल्जाम सब पर करप्शन के लगे पूरे पाकिस्तान में, और किसी सूबे में इलेक्शन करप्शन के इल्जाम नहीं लगे। कायदे आजम के आंख बंद होते ही ये सारे के सारे इल्जाम लगाकर यके बाद दीगरे हम इनको हटाते रहे और कहते रहे कि करप्ट हैं। फिर बंगाल के लोगों को हमने कहा कि जी ख्वाजा नाजमुद्दीन जो पाकिस्तान बनाने वाले थे वो करप्ट, हुसैन शहीद सुरवर्दी जो पाकिस्तान बनाने वाले थे वो करप्ट, हमने इनको करप्ट कहा, और हमने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को, हमने चौधरी मोहम्मद अलियों को, हमने जो है वो गुलाम मोहम्मद के जैसे लोगों को हमने सर पर चढ़ाए रखा, और उनके आज भी औलाद उनकी ऐश आराम कर रही है जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जिनने इस मुल्क को तबाह किया, जिनने इस मुल्क की बुनियादों में खराबी रखी है, उनकी औलाद वो जो पंजाब में आबाद हैं वो हर जगह पर अब भी खैरियत से हैं, सुकून से हैं, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लूट मार पंजाब में हो रही है, ऐसी लूट मार हो रही है कि दुनिया में उसके किस्से हैं, उस पर कोई बात नहीं करेगा। नजीर लगाई साहब, फिर क्या ये जमहूरियत जो है वो कभी हमें ये जमहूरियत और कॉम्पिटेंट आप मेरी बात पूरी होने देंगी? आप मेरी बात पूरी होने देंगी जी? मेरी आप बात पूरी होने दें। मैं ये कह रहा हूं कि क्या पंजाब में जो है जितनी लूट मार हुई है, और वजीर आजम कौम से खिताब करके और पार्लियामेंट से खिताब करके कहते हैं कि हमारे इतने हैं बैरूने मुल्क असासे, लेकिन हम पाकिस्तान से एक रुपया नहीं लेकर गए। साथ में ये भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान से एक रुपया लेकर नहीं गए। भाई आपको वहाँ पर अगर आपने जायदादें बनाई हैं अमेरिका में, बरतानिया में, या सऊदी अरब में, या यूएई में, या दुनिया के किसी और हिस्से में आपने जायदादें बनाई हैं, तो ये कैसे बनाई हैं? आप तो यहाँ रह रहे थे, आप पर वहाँ बारिश हो रही थी डॉलर की, आपके अरबों डॉलर जमे हो रहे हैं दुनिया के अंदर ऑफशोर कंपनियों में, कोई पूछने को तैयार नहीं है, और टीओआर नहीं बन पा रहा है, तो उस पर तो आप लोग खामोश हैं, इदारे भी खामोश हैं, हर तरह के सारे हम बात नहीं कर रहे हैं, राणा मशहूद के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं हम, वो जो है अपना राणा सनाउल्ला के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। एक बंदे ने जेल में कहा था ना कि जी राणा हमने फुला कत्ल जो है वो इनके कहने पर किए हैं, तो वो क्या हुआ, उनके बारे में क्यों नहीं चीजें क्यों? एक सूबे को आप छोटे सूबों को अगर आप टारगेट करेंगे, उनकी लीडरशिप को टारगेट करेंगे, और कोई चीज सामने होगी भी नहीं, आएगी भी नहीं। जी जी नजीर लगाई साहब, जनरल अमजद साहब कहना चाह रहे हैं। देखिए बात ये है, फेडरल गवर्नमेंट 5 साल पीपल्स पार्टी के पास रही, और मनी लॉन्ड्रिंग का केस नवाज शरीफ का उस वक्त मौजूद था। रहमान मलिक फाइलें लेके ढेर बैठ जाता था और हमें कहता था कि जी ये मेरे पास केस पड़ा हुआ है और ये मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की है और हम इंतजाम लेंगे। 5 साल पीपल्स पार्टी इन डाकुओं की पूरी दौलत लूटमार उसको तहफ्फुज़ देती रही। क्यों? इससे बड़ा और मुल्क के साथ क्या धोखा हो सकता है? सब मैं कि आप तहफ्फुज़ देते हैं, मैं अर्ज करूंगा, हम रोते रहे कि यार अगर ये केस है तो चलाना तुम्हारा फर्ज है। एब्सोल्युटली सर, मनी लॉन्ड्रिंग का सिर्फ नहीं, मेमो गेट का एक स्कैंडल आपको याद आया, याद होगा मेमो गेट आया, रेंटल कार केस को लेकर बड़ा शोर मचाया कि पूरी करप्शन को 5 साल नहीं पकड़ा। तो ये कि मैं नजीर लगाई साहब, मैं छोटी एक मुझे बात कर दूं, पर्दापोशी की ब्रेक लेकर पर्दापोशी की बड़ी मुजरमाना पर्दापोशी की, और आज भी पीपल्स पार्टी तावन करने के लिए तैयार है। अगर इमरान खान ने यह कहा कि मैं बाहर स्ट्रीट्स में करूंगा जाके इसके खिलाफ, इसकी पानामा वाली इसके खिलाफ हम करेंगे, वो बोल रहे हैं सोलो फ्लाइट करना, तो उन्होंने कहा सोलो फ्लाइट, यानी पीपल्स पार्टी आज भी बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। ये मुकमका जो ये हमारे अहमद जा कसूरी कह रहे हैं ना, ये दोनों पार्टियों का मुकमका है, नजीर लगारी और मैं, हम यही अपने पेपर खड़ा कर रहे हैं, हम थक के लेट जाएंगे, नजीर लगारी भी लेट जाएंगे। मुझे इशारा दिया जा रहा है छोटी सी ब्रेक के बाद, हुकूमत करने कब दिया गया उसमें? उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो स्टेक होल्डर बने हुए थे, वो एक अपॉइंटमेंट करते थे वो वापस ले लेते थे, वो और एक कदम आगे बढ़ाते थे वो पीछे से खींच लेते थे, एक उन्होंने 2 साल 1.5 साल एक खत लिखने में निकाले, खत लिखो अगर छुट्टी करा दिया, उसके बाद जो है वो उनको कहा गया कि जी आप मेमो गेट में फंसे हुए हैं। अब कहाँ गया वो मेमो गेट, कहाँ गया वो खत, कहाँ गई वो चीजें,
वो सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। इन चीज़ों को मैं पीपल्स पार्टी का वकील नहीं हूँ, मैं एक छोटे सूबे की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर हमें नज़र आता है कि पंजाब को नज़रअंदाज करके, केपीके को नज़रअंदाज करके, वहाँ की करप्शन को नज़रअंदाज करके जब आप सिंध का रुख करते हैं और सिंध में एक पूरे का पूरा अमल शुरू करते हैं, तो फिर लोग पूछते हैं कि भाई पंजाब में लोग फरिश्ते बैठे हुए हैं, उनकी तरफ क्यों नहीं जाते? मैं कहता हूँ इकरार सब जरूर करें, लोगों को नजर आए कि जनाब आप इकरार करते हैं। अगेन वो वाला रोल क्यों नहीं अदा किया? और एमक्यूएम जो 7 अगस्त की जो बात की जा रही है कि हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक निकालने का ऐलान किया जा रहा है, मियां तीक साहब आप पंजाब में भी ऑपरेशन चलाने का खुर्शीद शाह क्यों नहीं वहां बात करते? जी जहां तक आपने कहा कि इमरान खान साहब ने अब 7 अगस्त की बात की, तो मैं याद दिलाता चलूं जब प्राइम मिनिस्टर ने आकर पार्लियामेंट में स्पीच की थी, उसके दूसरे दिन ही इमरान खान साहब ने जब पार्लियामेंट में स्पीच की, उन्होंने उस वक्त ही कह दिया था कि हम सड़कों पर आएंगे। अब ये उनका कोई नुमाइंदा बता सकता है कि आज तक 2 महीने 3 महीने में 3 महीने गुजर चुके हैं, वो सड़कों पर क्यों नहीं आए? पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, सात को आ रहे हैं जी, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। अभी भी देखिए, अभी 7 में बहुत दिन है, क्योंकि उनके बारे में तो वो यू टर्न की बात की जाती है। मैं तो और बात कर रहा हूँ सर कि वो आ जाए, ये उनका हक है। दूसरी बात होती है मुत्तहिदा, जो हमारे ये ऑपोजिशन ग्रुप बना, एक मुत्तहिदा ऑपोजिशन हुई जिसमें TOR की बात हुई, उसी से रिलेटेड है ये चीज। मैं ये वाजे कर दूं कि हुकूमत की तरफ से आज 1.5 महीने से किसी किस्म का कोई राबता नहीं है। आखिरी रमजान के शुरू में एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद से हुकूमत की तरफ से कोई राबता नहीं है। और ये हकीकत में बात है कि हुकूमत शायद इस बात को उतना सीरियसली ले ही नहीं रही है कि TOR कमेटी वो जाकर वहां पर कुछ बनाएगी और करेगी। अब ये उनका क्या प्लान है, ये आने वाले वक्त में जरूर सामने आएगा। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं ऑपोजिशन भी खुश है, हुकूमत आ नहीं रही, ऑपोजिशन उनको दबा नहीं रही, के तो मामला चल रहा है। इट शोज द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द ऑपोजिशन कि उनका कोई होमवर्क नहीं है, नहीं चाहते नहीं है, चाहते भी नहीं है। देखें ये जो TOR TOR जो हैं, ये होते हैं इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी कमीशन में। यही चीज जो होती है जब सिविल मुकदमा आता है कि एक मुदई का मौकफ होता है, दूसरा मुदालय का होता है, फिर देन वी ड्रॉ द इशूज। अरब हारपा की प्रॉपर्टी हो, 5 मिनट में कोर्ट और दोनों लॉयर्स मिलके 5 मिनट में इशू ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि फ्रेमवर्क होता है उस केस का। जो पोजीशन इश्यूज की है सिविल लिटिगेशन में, वही TOR की है इन दी इंक्वायरी। यहां मजाक बनाया हुआ है, उसी 6 हफ्ते जो नैब का लॉ है वो ये कहता है कि ओनस इंडिविजुअल के ऊपर, जिसके ऊपर आपका इल्जाम होगा, बेगुनाही उसने शामिल है। यहाँ मियां नवाज शरीफ को आके अपनी बेगुनाही साबित करनी थी, हमने सारे उन बेवकूफों की तरह उसको TOR में लेकर बैठे हुए हैं। जिन्होंने बोला कि एंड द पीपल्स पार्टी इज अ वेरी स्लिपरी कैरेक्टर, दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ दी दिस ऑपोजिशन। जब दे कॉन्फ्रंटेशन, व्हेन इट कम टू कॉन्फ्रंटेशन, दे विल बैक आउट, दे विल नॉट बी देयर, दे विल बैक आउट। नज़ीर लगारी साहब, इस पूरे मेस का सॉल्यूशन क्या देखते हैं सर? एक एक रेंजर्स के वो तौसी के मामले को भी लेकर, दहशतगर्दी करप्शन के खिलाफ ऑपरेशन को जो जिसको पूरे मुल्क भर में वसी करने की जरूरत है, इसका सोल्यूशन क्या देखते हैं सर? मतलब अगर जमहूरियत में हमें ये तमाम लीडरान एक दूसरे को सेव करते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर ये निजाम किस तरह से चलेगा और इसी तरह से क्या आगे चलता रहेगा? आप ऐसा करें कि माडल टाउन के मुलजमान को जो FIR में है, जिन पर इंसदाद दहशतगर्दी की दफा लगाई गई है, उन तमाम मुलजमान को गिरफ्तार करें। उनमें तमाम बड़े लोग नामजद हैं, वजीर आजम नामजद हैं, वजीर आला पंजाब नामजद हैं, वफाकी वजरा नामजद हैं, सूबाई वजरा नामजद हैं और पुलिस अफसरान नामजद हैं। इन तमाम नामजद लोगों को जो कत्ल की FIR में, एक नहीं दिन दहाड़े लोगों को बेदर्दी से बेरहमी से कत्ल किया गया, उन तमाम लोगों की और लाशें पड़ी हुई थी, तड़पती रही, उनको रेस्क्यू नहीं किया गया, उन तमाम लाशों का हिसाब किताब होना चाहिए। हम लाहौर के मजलूम शहीदों के इंसाफ की बात कर रहे हैं, हम उनको पहले गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर बाकायदा मुकदमा चलाया जाए। आपको पता है इंसदाद दहशतगर्दी की दफा में गिरफ्तारी के बाद जमानत की नौबत नहीं होती है, यहाँ तो ठाट से फिर रहे हैं, यहाँ पर उर्दू समायत फिर रहे हैं। ये अजीब मुल्क है जिसके अंदर लोग जो है FIR में नामजद होकर जो फिर रहे हैं और अपने आप को मासूम समझ रहे हैं।
پی اے اس میں نام ہے، آپ کا پیناما لیکس میں نام آیا ہے، وزیراعظم کے بچوں کو گرفتار کیا جائے، وزیراعظم اپنے آپ کو ایک طرف کر لیں، پھر ہم سمجھیں گے کہ یہاں سے انصاف کا آغاز ہو گیا ہے، پھر ہم کہیں گے کہ سندھ سے ایک ایک چور کو جو بھی ہے اس کو گرفتار کریں، پھر ہم کہیں گے کہ بلوچستان سے اور دوسرے علاقوں سے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کریں، پھر رینجر تمام صوبوں میں جائے، رینجر نہیں ہے کہ صرف کراچی میں اور ہمارے انٹیریئر کے لیے بات کرے، رینجر جائے سندھ میں کاروائی کرے، پنجاب میں کاروائی کرے، خیبر پختونخوا میں کاروائی کرے۔ نذیر لغائی صاحب، اگر دو مہینے بعد ہمارے وزیر اعظم اسلام آباد آ کے یہ ساری باتیں تنقید کی حد تک تو ٹھیک ہیں، لیکن جنہوں نے کروانا، دیکھو کبھی بھی میں نے نہیں سنا کہ یہ اپوزیشن جو ہے، خاص طور پہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہے، اس نے یہ انصاف دلانے کی بات کی ہو کہ جی پنجاب میں آپ ان کو اندر بند کریں۔ یہ تو وہ اپوزیشن ہے جنہوں نے تحفظ دیا ان کو، جب عمران خان اور قادری بار رو رہے تھے، یہ اندر سارے اس کو میاں نواز شریف کی ٹانگوں کو پکڑ کے بیٹھے مضبوطی سے کھڑا کر رہے تھے، وہ وقت تھا کہ ان کو اندر کرواتے۔ جی آئی ہیو آل دی ریسپیکٹ فار دی ویوز آف لگاری صاحب، لیکن یہ جو ان کی آج تقریر کی ہے نا، یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقریر ہونی چاہیے ایٹ دی فلور آف دی ہاؤس۔ لیڈر آف دی اپوزیشن جن کے لیے چودھری نثار صاحب کو بچانے میں جتنا انہوں نے رول ادا کیا ہے بطور اپوزیشن لیڈر، اور لیڈر آف دی اپوزیشن تو اپنے بڑے بڑے بنوا دے نا، لیڈر آف اپوزیشن اپنے بڑے بڑے ہولز ہیں۔ نہیں لیکن لگاری صاحب کو کہیں تو صحیح نا، پر لگاری صاحب یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کے سربراہان بیرون ملک بیٹھے ہیں اور پارٹی کے امور چلا رہے ہیں، جو ہم بات کر رہے تھے کہ چاہے وہ نواز شریف صاحب دو مہینے کے بعد اسلام آباد آئے، ادھر چارج سنبھالا انہوں نے، وہ لندن میں رہے، زرداری رہے لندن، آپ کا ایک مہینے سے زیادہ عرصہ آپ کا وزیر اعظم کا کیمپ تھا لندن میں، لیڈر آف دی اپوزیشن ایٹ دی فلور آف دی ہاؤس، تاکہ فیوچر کی جو آگے آنے والی نسلیں ہیں ان کو ایک ریکارڈڈ ایویڈنس ملے۔ سر لیڈر آف دی اپوزیشن ایسا کردار کبھی آگے نظر آئیں گے اس طرح کا کردار ادا کرتے ہوئے جو کرنا چاہیے؟ خورشید شاہ کو انہوں نے جیب میں رکھا ہوا ہے، جب وہ کبھی کو بات ہونے لگتی ہے تو وزیر داخلہ کو چیز ان کی دکھا دیتا ہے، ان کی جیب کی گھڑی ہے، ان کی جیب کی گھڑی ہے، گھڑی ہے، تو ہم کس کو روئیں؟ تو سر یہ تو ایک دوسرے کو اسی طرح سے بلیک میل کرتے رہتے ہیں۔ نہیں میں نذیر لغاری صاحب سے بڑا مطلب بہت ساری چیزوں پہ میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس پہ میرا بہت بڑا اختلاف ہے کہ یہ ہم، میں نے نام لیا 100 دفعہ اس کا، خورشید شاہ کا، کہ وہ شخص ہمیں ڈاچ کر رہا ہے، ہمارے ساتھ چیٹ کر رہا ہے، ہمیں چیٹ کر رہا ہے۔ لغاری صاحب نے ایک دفعہ نہیں کہا، جس کا کام ہے وہاں پہ یہ بات کرنا، یہ تحفظ دیتے ہیں ان کی کرپشن کو، آج بھی مل جائیں گے ان کے ساتھ یہ سارے۔ میاں نواز شریف میرے لیے جب تک وہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کروا دیتا، میں باہر جا کے سر نہیں اٹھا سکتا، دوسرے ملک میں کوئی مجھے کہہ دے کہ تیرا تو اپنا وزیر اعظم ہے جس کے اوپر 100 الزام ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دیکھیں جی، ایک جو پرائم منسٹر ہے اس کی بگننگ ہے لوہار، اور دوسرا لیڈر آف اپوزیشن جس کی بگننگ ہے میٹر کلرک، ناؤ دیٹ از دی لیول۔ نذیر لغائی صاحب، کس سیاسی جماعت کی سنجیدگی نظر آتی ہے آپ کو، اور جو یہ بات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف بھی جس طرح سے کہ حکومت کے خلاف ہم تحریک شروع کریں گے، آپ کو وہ سنجیدگی نظر آ رہی ہے؟ 4 مہینے تک ہم نے 2014 کا بھی دھرنا دیکھا تھا۔ نہیں، اصل میں عمران خان کو سولو فلائٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم کچھ نہ کچھ اپوزیشن کی دیگر پارٹی، پیپلز پارٹی نہیں آ رہی تھی نا، پیپلز پارٹی کو آئسولیٹ تو کرنا چاہیے نا، انہیں جا کر پیپلز پارٹی کو بتانا چاہیے کہ تم اس سارے عمل میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو رہے ہو، ہم باقی لوگوں کو ساتھ لے رہے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، جو بھی اپوزیشن کی دیگر پارٹیاں ہیں، ان دیگر پارٹیوں کو ساتھ ملائیں، اور بے شک جائیں، سڑکوں پر جائیں، دھرنے پر جائیں، احتجاج کریں، کیونکہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے جس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ جو ہے اس لوٹ مار کا حساب لیں، جو وزیر اعظم کے بچوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، وہ پاناما لیکس میں وہ جا کر انہوں نے جو ہے وہ آف شور کمپنیوں میں پیسہ رکھا، وہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا، عمران خان کا کوئی غلیم ہے جو اس کو بنانے کے پاس بھی ہے، جس کے پاس بھی ہے، ایوری بڈی نوز قومی مفاد ہے، کرپشن قومی مفاد ہے، کرپشن از ریمپنٹ، ایوری بڈی نوز، اگر لیڈر اپوزیشن نہیں کر رہے ہیں وائی ڈونٹ دے جوائن دی عمران خان، دیگر جماعتیں۔ جی لغاری صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اپوزیشن میں پیپلز پارٹی نہیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، آئسولیٹ کریں، باقی جماعتوں کو لے لیں، ان کو عمران خان کو سولو فلائٹ نہیں کرنی چاہیے، اکیلے نہیں جانا چاہیے، دیگر پارٹیوں کو ساتھ لیں، جس طرح سے
रब्त उनके साथ ही हैं और पार्टियों को साथ लेकर वो जाएं, लोग उनका साथ देंगे, लोग वालेहाना साथ देंगे, इसलिए कि लोग बेजार हैं इस पूरी सूरत हाल से, इस लूट मार से जो हो रही है और जो जो बड़े वसी पैमाने पर हो रही है, लोग लूट मार से बेजार हैं, लोग लाकानूनियत से बेजार हैं, लोग दहशतगर्दी से बेजार हैं और ये हुकूमत जो है वो पैटर्न इन चीफ है लूट मार की भी और दहशतगर्दी की भी। और इस हुकूमत को अपना पीटीआई बड़ा टफ टाइम देगी, लेकिन उसको अपोजिशन की दीगर जमातों को मिलाना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी साथ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं जाती है तो पूरे तौर पर बाकी जमातों को लेकर जाएं, सोलो फ्लाइट ना करें, अकेले ना जाएं, मसाइल पैदा होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमें एहतसाब पॉसिबल नजर ही नहीं आता अगर पैनामा को अप्रैल से लेकर अब तक इतने माह गुजर जाने के बावजूद भी कुछ शुरू हुआ। थैंक यू सो मच लगाई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें कराची से ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब आपका भी और कसूरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हमें आपने ज्वाइन करा और अपने व्यूज से आगाह किया। और यकीनन लूट मार करप्शन और जराइम के खिलाफ ऑपरेशन हमारी आवाम की आवाज़ है और हर एक आम आदमी, हमारा एक आम पाकिस्तानी वो यही सोच रखता है कि इस ऑपरेशन को मुल्क भर में इसका दायराकार को वसी बनाने की ज़रूरत है और मुल्क भर में ये ऑपरेशन जारी रहने की और शुरू होने की जा नहीं हुए, इसको वसत दे दी जाए इस ऑपरेशन को। प्रोग्राम की टीम और अलीना शिकरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।